वासना का भी नष्ट करती है भक्ति, जबकि दूसरे साधन से वासना को नष्ट करना कठिन है। पाप का नाश प्रायश्चित से भी हो जाता है। कोई पाप की है, कोई प्रायश्चित कर लिए तो उसका नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ते हैं तो परीक्षित महाराज का प्रश्न यही है, अरे कैसे इस नरक से उग्र यातना, इतना कठिन दंड, कैसे व्यक्ति नरक से पहुंचेगा। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए, अरे भाई पाप का विचार करके कैसा पाप है उसके अनुसार प्रायश्चित कर लेंगे, नरक से बच जाएंगे। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसा रोग है पहले पहचान करता है, उसके बाद दवा दे देता है और रोग खत्म हो जाता है। वो तो जैसा पाप है उसके हिसाब से प्रायश्चित कर लेंगे तो रोग खत्म हो जाएगा, नरक नहीं जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज को संतोष नहीं हुआ, वो तो कहे है कि वे प्रायश्चित तो हो जाएगा लेकिन फिर आदमी पाप करेगा ही, तो ये तो वास्तविक प्रायश्चित नहीं है। और वे उदाहरण दी है मन में कुंजन शौच वन, कोई हाथी है सरोवर में जाता है खूब अच्छा से स्नान करता है, उसका शरीर स्वच्छ हो जाता है, बाहर आया और फिर धूप छिड़क दिए, क्या उसको स्नान मांगे। तो उसी तरह पाप से है पाप का जो फल है प्रायश्चित करने से तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक पाप की वासना नहीं समाप्त होगी तब तक कोई मतलब नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में उदाहरण दिए हैं कि कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि टू मच सेक्स इंडल्जेंस है, बहुत भोग में वो लिप्त है, तो कभी कभी रोग हो जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं दवा खाते हैं तो कुछ देर के लिए रोग ठीक हो जाता है, लेकिन फिर आकर उसी कर्म में लगते हैं फिर रोग हो जाता है। तो यह तो वास्तविक प्रायश्चित नहीं है, ये तो पाप खत्म हुआ लेकिन जब तक वासना नहीं खत्म होगी फिर आदमी पाप करेगा ही। वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति यह विशेषता है, पाप भी खत्म करता है और पाप की वासना को। सुखदेव गोस्वामी जब असंतोष व्यक्त की प्रायश्चित से नहीं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहे कि अरे वास्तव में कर्म प्रायश्चित नहीं है, ऐसे ज्ञान प्रायश्चित, ज्ञान का कोई अवलंबन करता है तो बेणु गुर्म इबान, और तो पाप को वैसे समाप्त कर देते हैं जैसे बांस के झुरमुट में आग लगने पर। बांस का झुरमुट जानते हैं आप लोग, बांस से देखे है ना, तो वो कई एक बांस एक साथ रहते हैं और गर्मी का दिन है कभी कभी उनके रगड़ से ही आग लग जाती और पूरा बांस जल करके खत्म। तो उदाहरण ये देते बेणु गुर्म इबान, जैसे बांस का झुरमुट है वो आग से खत्म हो जाता है, तो प्रायश्चित विमर्शन वैसे ही ज्ञान ही वास्तव में प्रायश्चित। लेकिन उदाहरण जो दी है बेणु तो खत्म हो जाता है लेकिन फिर बरसात आने पर फिर कुंपड़ फेंक देता है, ऊपर फेंकता है फिर ना, अगर ज्ञान से भी पाप तो खत्म हो जाता है लेकिन हृदय की वासना नहीं खत्म। तब फिर उदाहरण दे केचित केवल या भक्ति वासुदेव करा, कोई कोई कहे कि भक्ति से पूरा पूरा खत्म कर दे। तो वासना खत्म हो जाता है इसके विषय में वे दो श्लोक उद्धृत किए हैं। एक तो कह रहे हैं कि तरिष्ठानि अघानि पूयन्ते तपो दान प्रदाति न धर्मजं तद् हृदयं
तदपि सांग्री सेवया, कह रहे हैं कि कोई ज्ञान का भी अवलंबन करता है, दान देता है, यज्ञ करता है, कई एक साधन करता है, उन साधनों से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, लेकिन उसके हृदय की वासना नहीं समाप्त होती। ना अधर्म जब तन हृदय, जो अधर्म से उत्पन्न हृदय है वह नहीं समाप्त हो जाए। अधर्म से उत्पन्न हृदय, भाई अधर्म से उत्पन्न हृदय का क्या अर्थ है कि अविद्या के चलते जो वासना, वासना का कारण अविद्या है, तो अविद्या के चलते जो वासना है वह नहीं खत्म होता है। या ना धर्म जब तद हृदय का अर्थ है कि व्यक्ति जब अधर्म करता है तो उसका संस्कार हृदय पर आता है, तो संस्कार खत्म नहीं होता है, और संस्कार नहीं खत्म हुआ तो फिर पाप में प्रवृत्त करेगा। तो कह रहे हैं कि तदपि ईशान सेवा, लेकिन भगवान के चरणों की सेवा करने से, भक्ति करने से वो हृदय की वासना भी समाप्त हो जाती है। अब इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशय ग्रथित मुद्रतियन संत तद्वन रिक्त मतय, रिक्त मतय, जो अपने मन को खाली रखे, तो प्रयास करते हैं कि अपने इंद्रियों को एकदम नियंत्रित कर लें। उनका ध्यान इसी पर होता है कि इंद्रियों को विषय में जाने ही नहीं देना, कैसे बात हो, लेकिन उनको बहुत कठिनाई होती है इंद्रियों को रोकने पर। जैसे नदी के धारा को आप बांध दीजिए, नदी के धारा को बांध दीजिए तो कुछ देर तक तो बांध लोट सह लेता है, धारा रुक जाती है, लेकिन अब तो भाई नदी के धारा का पानी आ रहा है, आ रहा है, तो प्रेशर बहुत बढ़ते जाता है ना, तो बांध टिकेगा नहीं, टूट ही जाएगा। तो उसी प्रकार कोई कोई योगी यति हैं तो अपने इंद्रियों को एकदम विषय से दूर कर लेते हैं, लेकिन अब विषय का ऐसा दबाव आता है कि बहुत देर तक उसको नहीं सह। ऐसा देखा गया है कि कितने सन्यासी हिमालय में हैं, एकदम विषय से दूर है, और तब तक आकर के फिर अब सोशल वर्क करके, क्योंकि मन तो खाली है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं तो वे आसानी से कितना हो जटिल कर्म वासना, कितना हो कॉम्प्लिकेटेड है संस्कार, उसको बहुत आसानी से खत्म भगवान के भक्ति से। तो भगवान के भक्ति से वासना का नाश हो जाता है, और जो वासना का भी मूल है अविद्या, उसका भी नाश हो जाता है। इस विषय में पद्म पुराण का स्पष्ट श्लोक उद्धृत किए हैं कि कृतानु यात्रा विद्या भी हरि भक्ति रणुत्तम, अविद्या निर्दहत्या दाव ज्वादेव पंद्रह, 10 नंबर के पेज पर, पेज नंबर 10 को ये करूंगा। ये भक्ति का स्वरूप है कि इसके पीछे पीछे विद्या लगी रहती है, कृतार्थ यात्रा विद्या। भक्ति का मतलब है कि विद्या पीछे से चलेगी और अविद्या को वैसे नष्ट कर देती है जैसे जंगल के आग किसी सर्पिणी को नष्ट कर देता है। जंगल में कोई सर्पिणी है, नागिन है, बहुत घातक है ना, लेकिन दवानल लग गया तो उसे भी जल करके भस्म हो जाएगी। तो उसी तरह अविद्या निर्दहत्या से भक्ति अविद्या को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और कभी कभी आपके परीक्षा का भी प्रश्न बन जाता है।